भाजपा की जिला समन्वयक की बैठक बुधवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने 25 सितंबर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को बूथ स्तर तक मनाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कृषि बिल को लेकर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि योगी और मोदी के नीतियों के दम पर अगला विधानसभा चुनाव जीतेंगे। बैठक में संत कबीर नगर, कुशीनगर और देवरिया के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, बात करिए रिकॉर्ड वाला ही बड़ा ही कहीं रिकॉर्ड वाला ही होगा। आपसे कैसी बात हूँ को मीटिंग कराएगा थोड़ा सा सर और सारी बात सुन सकते हैं। अबे अभी तो हम ज्यादा भाग भगवान कर अच्छा। अलग अलग चीजों की अलग 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 उसके बाद कुशीनगर, फिर कुशीनगर बाद देवरिया गोरखपुर भी चलिए दुर्गा संगठन का एक रूटीन वर्किंग है। कोर कमेटी की महीने में बैठक होती है, इधर कोरोना के कारण इधर बीच थोड़ा प्रवास हम लोगों का नहीं हो पाया था, फिर प्रवास शुरू हुआ है और 25 से लेकर 2 अक्टूबर तक पार्टी का कार्यक्रम है। 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती है, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। उत्तर प्रदेश के सभी बूथों पर बूथ समिति ये कार्यक्रम आयोजित करेगी, अपने बूथ समिति सभी अपने बूथ पर, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम और जो किसान के मुद्दे हैं, जो बिल पास हुए हैं, उनके बारे में भी गांव में चर्चा करेंगे कि सपा बसपा भ्रम फैला रहे हैं, कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे हैं, ये सब हम लोग लेकर गाँव में जाएंगे। क्या रहा? देखिए, माननीय मोदी जी की लोकप्रियता, माननीय योगी जी की लोकप्रियता, संगठन के कार्यकर्ताओं का परिश्रम की पराकाष्ठा, ऐसे देवतुल कार्यकर्ताओं की बदौलत ही 2022 का भी नैया हम पार करेंगे। और क्योंकि गांव-गांव विकास हम कर रहे हैं, गली गली में विकास कर रहे हैं, सभी को प्रधानमंत्री आवास है, सभी को शौचालय है, अब घर घर पानी भी पहुंचाने का निर्णय हम लोग लिए हैं, नल को सौभाग्य योजना से, आयुष्मान भारत से कार्ड दे रहे हैं, बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं। तो इसलिए जो भी गरीबों के लिए योजनाएं हैं,
वो हम सब गांव तक ले जा रहे हैं और उसी के बदौलत, गरीबों के बदौलत ही हम लोग चुनाव जीतेंगे। अखिलेश यादव ने तंज कसा है, मैं बधाई देता हूं माननीय योगी जी को, कम से कम इससे रोजगार भी मिलेगा और यहाँ के नौजवानों को मौका मिलेगा और ये बहुत बड़ा जो कार्य एक तरह के किया जाए फिल्म सिटी लाने का, ये बहुत बड़ा काम किया है माननीय योगी जी ने और ये आगे बहुत इसका लाभ होगा।